साध संगत जी, जिहड़ी एक होर चीज पिता जी ने दसी, बाबा नरसिंह साहब दे कहन लगे दाते ये दो हस्तियां हर वेले खड़िया होंदियां हाथ जोड़ के, केड़ी एक माया ते दूजा काल। फिर कहन लगे कि हर एक जना साहेब पास वो असली जाचक नहीं आता, माया दे संसार च गृहस्थ जेड़ा प्राणी है वो माया दे ही कारण आता है, वो माया दे ही सुख पालता है, इस संसार दे सुख पालता है। उन्हां दा नबेड़ा जेड़ी उस दर पर माया खड़ी उत्थे कर दिंदी। फिर उन्होंने एक चीज़ की, एक दिन बाबा नरसिंह सिंह साहब फरमान की लगे, ये जल है मच्छी है, जल मच्छी दा पूर्ण सहारा है, जल उसकी लीनता है, जल उसका प्रेम है, जल ही उसका जीवन है, जल ही उसके प्राण हैं, ते जल ही उसका रब है। जिस वक्त वो मच्छी अपने उस आसरे तो, उस प्रीतम तो, उस प्यार तो, उस लीनता तो थोड़ी देर वास्ते भी नक बार कढ़ दी है तो उसका दम घुटदा है। जिहड़ा महापुरश हुंदा है, जिहड़ा हर वेले वो लीनता, फिर लीनता दे बारे पिता जी दस रहे कि उसकी लीनता जिन्ने रसा दा वो मुजस्सम है, साहिब सतगुरु गुरु नानक निरंकार सारे ही रस, वो बख्शन वाला जिहड़ा आत्म रस, नाम रस, प्रेम रस, हर रस, सिक्खी रस ये बख्श रहा है, उस दे ही रस हैं। तो वह है कौन? वो बेअंत है, वो रस भी बेअंत हैं, वो रसा दे अंत तक नहीं पहुँचा जा सकता। फिर मतलब समझा रहे हैं कि उस रस का हर छिन, ओदा सुरूर, ओदा नशा, ओदी मस्ती, ओदी खमारी बढ़ रही होंगी, हर वेले ही नवे तो नवा सुरूर आ रहा हों। उस लीनता चो बाहर आना कि पसंद करेगा, वह भी माया दे संसार दे विच। फिर होंदा की है, वही माया जेरी चाना विच हाथ जोड़ के बाहर खड़ी है, उस वेले फिर अपना ध्यान करके उस चन कमलों के जिन्होंने लिपटी होंगी है बेनती कर दी, हे गरीब नवाज, ये दासी की समर्था तो बाहर है, उसका घर पूरा करना वो जाचक आपदा है, गरीब नवाज आप ही पूरा कर सकते हैं। उस वेले बाबा नरसिंह सिंह साहब उस लीनता चो थोड़ी देर बाहर आते हैं, आ दूजे का घर पूरा करके वापस उस लीनता बाबा।